हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने जाना कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, किस टाइप का मोशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन ए प्लेन। कब होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल पर थ्रो करते हैं इन द एयर, तो वो कैसे जाता है। मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसने थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे जाता है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है। क्यों आता है, क्यों होता है, क्योंकि इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगती है जिसको हम जानते हैं एक्सेलेरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण ये ऐसे मोशन करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन इन ए प्लेन। वो पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यू पर, यू जो हम उसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। ठीक है, और वो इनिशियल वेलोसिटी कैसे काम करती है उस ऑब्जेक्ट पर, वो वेलोसिटी दो तरह से काम करती है, वो दो कंपोनेंट में काम करती है। एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम यू साइन थीटा बोलते हैं, और एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे लेके जाता है, और ये वाला कंपोनेंट उसको वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर लेके जाता है। ठीक है, तो दो तरह से दोनों वेलोसिटी अलग अलग है। यो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो थ्रू आउट द मोशन, मैंने आपको बताया था कि ये वेलोसिटी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इस पर जो जी लगता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट एंगल 90 डिग्री पर जो फोर्स लगती है ग्रेविटेशन, वो जो इसको अफेक्ट नहीं करती। बट ये जो वेलोसिटी है जो ऊपर जाती है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगती है जी, वो उसको क्या करती है, इस वेलोसिटी को जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे पहले उसको डिक्रीज करेगी, एक पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और फिर वो वापस नीचे आता है किसके कारण, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें हम दो तरह के मोशन पढ़ेंगे अलग अलग। क्यों, क्योंकि वर्टिकल ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, ये 2D मोशन कर रही है, और हमारे पास क्या है कि इससे रिलेटेड जो क्वांटिटी है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में रहा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितनी हाइट उसने अचीव की यानी मैक्सिमम हाइट, और उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सारी क्वांटिटीज़ को डिराइव करने के लिए हमारे पास 2D मोशन की कोई इक्वेशन नहीं है। और हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करना चाहते हैं, जो हमारी लीनियर मोशन की है। तो हम क्या करते हैं, इस यू वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल, फिर हम उसको अलग अलग स्टडी करते हैं अलग। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्टिकल प्रोजेक्शन, ये वाला कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है। आज हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। उससे पहले हम एक इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्या है, ये इक्वेशन कैसी है, देखिए हमें पता है कि इस ड्यूरिंग दिस मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। मान लीजिए पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, एक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है, और वाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है कुछ एट एनी टाइम टी। जैसे मान लीजिए टाइम टी है, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ भी और ये इसकी हाइट ऐसे, टी टाइम के बाद ये, और एक्स डायरेक्शन कितना चेंज हुआ, इतना। तो x और y को अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं बोलूं कि एनी टाइम t, मान लो कोई भी टाइम आपको दे, यानी 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, बताइए उस वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। आपको बोला जाए कि वो x डायरेक्शन में 5 मीटर गया, कितना 5 मीटर गया, तो बताइए y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो ऐसी इक्वेशन अभी तक तो हमने नहीं डिराइव की है, तो आइए हम डिराइव करते हैं, रिलेशन निकालते हैं किस किस का, एक्स और वाई, एक्स और वाई का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। और उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्स हम इसको ऐसा ना लिखकर एक्स ही लिखते हैं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। कैसे, एक्स क्या, डिस्प्लेसमेंट लिया हमने, और डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन में हमारी यू कॉस थीटा इनटू टाइम, यू कॉस थीटा इनटू टाइम। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब वाई के लिए,
अब वाई डायरेक्शन में, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक्स में इतना गया, तो वाई में उसी टाइम पर वाई में ये यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पर है तो एक्स में इतना गया और वाई में फिर इतना गया, तो वाई की वैल्यू, वाई के लिए डिस्प्लेसमेंट, ये वाई का डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, इसको इसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे, कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, वर्टिकल जो प्रोजेक्शन होता है, वर्टिकल जो मोशन होता है यहाँ पर, वो कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके लिए हम जो हम यूज इक्वेशन यूज करते हैं वो कौन सी करेंगे, हमारे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस को मैं यहाँ पर वाई ही लिखता हूँ, वाई, ठीक है, यू टी, यू इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी इनिशियल वेलोसिटी क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या थी, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी, इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ए कौन सा है, माइनस जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी स्केयर, टी स्केयर, ये हमारी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, कौन सी क्वांटिटी, देखो यू थीटा, थीटा क्या चेंज होगा, कांस्टेंट है, क्या है, थीटा कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी जो आपने दे दी उसके बाद तो चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट, तो कौन सी क्वांटिटी इनमें वेरिएबल है, कौन सी क्वांटिटी है, टी, और इन दोनों क्वांटिटीज को कौन सी क्वांटिटी रिलेट करती है, टी, यानी टी टाइम पर हमें कोई वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू निकालते, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, टी इज इक्वल टू किसके इक्वल, एक्स डिवाइड बाई यू कोस थीटा को इधर ले आइए, ठीक है, और नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन, अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं, सो नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन सेकेंड, हम सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, u साइन थीटा, t की जगह हम क्या रखेंगे, x डिवाइड बाई u cos थीटा, ठीक है, प्लस, अच्छा यहाँ पर ये माइनस है तो हम माइनस लिख लेते हैं, माइनस हाफ g t स्केयर, t का स्केयर, t की वैल्यू क्या आई है, एक्स स्केयर यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा, ठीक है, अब u से u कैंसिल, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, फॉर्मूला पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा x माइनस माइनस ये देखिए g डिवाइड बाई 2u स्केयर cos स्केयर थीटा इंटू एक्स स्केयर, इंटू एक्स स्केयर माइनस किस लिए, g माइनस है, तो ये जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी टाइम पर x, अगर आपको एक x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछा जाए कि एट पॉइंट t, सॉरी x की वैल्यू दी, कोई भी टाइम पीरियड है, हमने t की वैल्यू को इसमें रख दिया, x की वैल्यू दी, जब x 5 था तो y की वैल्यू निकालिए, क्योंकि देखिए थीटा भी हमारा कांस्टेंट है, थीटा भी हमारा कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, g तो होता ही कांस्टेंट है, तो कौन सी चीज़ें y को, कौन सी चीज़ें y किसके कारण चेंज होगी, अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, जहाँ जहाँ जैसे जैसे x आगे जाएगा वैसे वैसे y भी चेंज होता रहेगा, तो आप अगर आपको बोला जाए कि x की कोई वैल्यू दे दी जाए तो और y की वैल्यू निकालनी है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, अब देखिए ये वाली इक्वेशन किस फॉर्म में है, फॉर्म का मतलब ये जो पाथ है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो ऑब्जेक्ट पाथ ट्रेस करेगा वो कैसी शेप बनाता, शेप कैसी होगी अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, कैसी शेप होगी, देखिए शेप के लिए हम मैथ में चलते हैं थोड़ा सा, ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले होते हैं, अगर आपसे मैं बोलूं, अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, अगर ये इक्वेशन है तो शेप कैसी आती है, ज्योमेट्री में पढ़ा है ना,
मैथ में, तो कैसी शेप आती है? स्ट्रेट लाइन। ये किसका फॉर्मूला है? स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। किसका फॉर्मूला है? स्ट्रेट लाइन का। अब अगर ये जो शेप है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कैसी शेप देता है? कैसी शेप बनाता है? सर्कल। कैसी शेप बनाता है? सर्कल, ठीक है। और ऐसा ही एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये जो इक्वेशन थी तो कैसी शेप देता था? ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन किसकी है? पैराबोलिक पाथ की। ये कैसा भी देता है हमें? पैराबोलिक पाथ। तो इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करिए, y इज इक्वल टू दिस इज a, x प्लस बी एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन किसके कारण है? जी के कारण, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। तो ये हमारी इक्वेशन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है? इसको। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा पाथ कैसा होगा, शेप कैसी होगी पाथ की, ट्रेजेक्ट्री की शेप कैसी होगी? तो ड्यूरिंग, हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक, पैराबोलिक, ठीक है। तो कैसी शेप होगी ये, इसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोलिक शेप, पैराबोला, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो हमें किसका रिलेशन बताती है, किसका रिलेशन बताती है? वाई और एक्स का ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो अब इसको नोट करिए एक बार, फिर हम देखते हैं कि आगे हम क्या देखेंगे। कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालिए, या इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, या फिर इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी ड्यूरिंग जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, किसी भी पॉइंट में, एनी पॉइंट, और आपसे पूछा जाए कि उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो हम देखेंगे। तो पहले एक बार इसको नोट करिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इसके हर एक पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? कि क्या हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सेम रहती है? नहीं, चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है, ये दोनों कंपोनेंट इसके काम करते हैं, यू कोस थीटा और यू साइन थीटा। और हमें पता है यू कोस थीटा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो इसका क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसका लगातार चेंज। वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन होता है वो है एक्सेलरेटेड मोशन, और जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होता है वो क्या है? उसकी वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट, लीनियर मोशन, ठीक है। अब जो यू साइन थीटा है, सोचो यहाँ पर यू की वैल्यू कुछ थी, यहाँ पर इसका कंपोनेंट हमने बनाया ये, और u का कंपोनेंट, साइन थीटा का कंपोनेंट बनाया हमने ये। जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, जैसे इस पॉइंट पर अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, तो ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स, कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ऊपर जा रहा था, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जितनी थी, यहाँ पर क्या होगी? इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ये वाला कॉम्पोनेंट क्या रहेगा? ये तो हमारा कॉन्स्टेंट रहता है, ये तो चेंज होता ही नहीं। तो ये वाला कॉम्पोनेंट आपका क्या रहेगा? तो यहां पर ये जो वेलोसिटी, इसका रिजल्टेंट, ये क्या है? v, वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट। ये क्या है आपका? vy, और इसको हम क्या बोलते हैं? vx। क्या बोलते हैं? vx। और यहां पर हमें पता है कि vx कितना होता है? u cos theta, जो कि कॉन्स्टेंट है, चेंज ही नहीं होता, चेंज ही नहीं होता, ठीक है। तो v का फॉर्मूला क्या होता है? v का फॉर्मूला हमें रिजल्टेंट निकालना है ना, v का फॉर्मूला हम जानते हैं, v इज इक्वल टू कौन सा? पैरेललोग्राम बनाकर हम ये फॉर्मूला हम बनाते हैं, वी एक्स, इसका ये भी क्या? वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड प्लस वी वाई
मैग्नीट्यूड स्केल, ये वाला फॉर्मूला। अब v निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, vx और vy दोनों चाहिए, हमें दोनों चाहिए। vx तो हमें बताइए जो कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ पर आएगा, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो ये जो वेलोसिटी है v, इसका ये वाला कॉम्पोनेंट क्या रहेगा, ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ये वाला कॉम्पोनेंट जैसे जैसे ऊपर जाएगा फोर्स के कारण ये वाली वैल्यू क्या रह जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, छोटी। तो ये वाला जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा वो यहाँ से ऐसे हम इसका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट, ठीक है। ये वाला छोटा होता रहेगा, इसकी वैल्यू छोटी होती चली जाएगी और एक पॉइंट आएगा जो मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट है, यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पर हमें v की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, वी एक्स प्लस वी वाई, रिजल्टेंट के तौर पर हमें क्या चाहिए, वी एक्स प्लस वी वाई। वी एक्स की वैल्यू तो हमें पता है u cos थीटा, वी वाई ऊपर वाला जो हमारा कॉम्पोनेंट है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, वेलोसिटी हमें निकालनी है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वी वाई इज इक्वल टू कौन सा, u प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है क्योंकि u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी हमने, u sin थीटा, u sin थीटा प्लस a कितना है माइनस g और t, तो vy की वैल्यू कितनी आ गई, u sin थीटा माइनस जी टी, ये वैल्यू आ गई। वी एक्स की वैल्यू हमें पता है तो v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, v की वैल्यू रख दीजिए दोनों में, वी एक्स की वैल्यू, वी एक्स का स्केयर यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस वी वाई, वी वाई की वैल्यू कितनी, यू साइन थीटा माइनस जी टी इसका स्केयर। तो करो इसको सॉल्व, अंडर रूट यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस यू स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस टू यू साइन थीटा जी टी, ये होगी वैल्यू। इसको हमने खोल लिया, ए माइनस बी का होल स्केयर, ठीक है। अब वी की वैल्यू यहाँ पर आ जाइए, वी की वैल्यू कितनी होगी, इसको देखिए ध्यान से, यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस यू स्केयर साइन स्केयर थीटा, यू स्केयर कॉमन ले लिया हमने तो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा कितना बच गया, वन, तो यहां पर क्या बचेगा, यू स्केयर, अब प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस टू यू, हम जी टी को पहले लिख लेते हैं, माइनस टू यू जी टी साइन थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी भी पॉइंट पर हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला हम इसका यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब ये तो होगी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला कॉम्पोनेंट वर्टिकल, हम एक पैरेललोग्राम जो हम बनाते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया कुछ इस प्रकार, ये, या फिर आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और ये वी वाई है और ये वाला एंगल मान लीजिए ये हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट, हम ये हमने कुछ थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, हम इसको थोड़ा सा छोटा करके हम कुछ इस प्रकार कर लेते हैं, और ये पैरेललोग्राम ये वी वाई तो ये वी वी वाई और ये क्या हमारा वी एक्स, तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट, क्या ये एंगल भी थीटा रहेगा, सोच के देखिए, क्या ये एंगल भी थीटा, नहीं, ये एंगल आपका थीटा नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर क्या आ जाएगा, बेस, क्या आएगा, क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर वी वाई ओवर वी एक्स, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर वी वाई की वैल्यू रख देंगे, जैसे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू, देखिए वी वाई की वैल्यू कहाँ है, वी वाई की वैल्यू ये वाली, यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई वी एक्स यू कॉस थीटा, यू से यू कैंसिल, क्या बच गया,
क्या बचेगा, टेंजेंट। देखिए साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई कोस थीटा, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई कॉस थीटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी। ये हमने क्या निकाली है, डायरेक्शन, और ये हमारा क्या था, मैग्नीट्यूड, ये हमारा क्या था, मैग्नीट्यूड किसका, वेलोसिटी का। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपको किसी भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो ये उसका मैग्नीट्यूड होगा और इस प्रकार हम उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करिए, फिर हम, अच्छा हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली, अब हमारी मेन चीज़ तो रहेगी, एक चीज़ रहेगी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम वो रेंज कैसे निकालेंगे, कैसे वो मूव करेगा, वो सारी इक्वेशंस, हम सारे रिलेशन हम हॉरिजॉन्टल में भी निकालेंगे, अब जैसे हमने वर्टिकल में निकाले थे। तो एक बार इसको नोट करिए फिर हम, तो आइए बेटा अब हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, कौन सा, हमने वर्टिकल प्रोजेक्शन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे प्रोजेक्ट होता है। इसको हम कुछ उसी प्रकार प्रोजेक्ट करेंगे, मान लो आपको, मान लो आप किसी एरोप्लेन में हैं या हेलीकॉप्टर में हैं और आपको एक पर्टिकुलर जगह पर कोई पैकेट वगैरह या फिर कुछ सामान ऊपर से नीचे गिराना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हम क्या करेंगे कि जैसे हम उस पैकेट को छोड़ते हैं, मान लो एरोप्लेन जा रहा है, या फिर जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जो जेट एयरप्लेन्स होते हैं, जो हमारे फाइटर प्लेन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बम वगैरह गिराते थे, पहले गिराते थे, आजकल तो टेक्निक बहुत ज़्यादा हो गया, आजकल तो ऐसा नहीं है। तो जब जैसे जब आपने देखा हो, जब वो बम गिराते हैं, तो क्या वो बम जैसे ही उन्होंने छोड़ा वो डायरेक्ट नीचे जाता है, अगर वो यहाँ पर छोड़ते हैं वो, तो क्या वो डायरेक्ट ऐसे जाता है, क्या वो ऐसे जाता है, नहीं ऐसे नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी फाइटर प्लेन कुछ स्पीड में होता है, कुछ वेलोसिटी में होता है, तो जब आप उसको छोड़ोगे तो उसके पास भी कितनी स्पीड होगी, जितनी स्पीड उसकी क्या होगी, एरोप्लेन की होगी, किसकी होगी, फाइटर प्लेन की होगी, उतनी ही स्पीड उस ऑब्जेक्ट के साथ होगी, तो वो ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, पहले उस वेलोसिटी के साथ थोड़ा सा आगे जाएगा, आगे जाएगा, फिर वो नीचे जाना, फिर उस पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट शुरू होगा। तो जो स्टार्टिंग में जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो उसका इफेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स का उस टाइम नहीं होगा। इस पॉइंट पर हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पर उसके पास क्या कोई वेलोसिटी होगी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो हम प्रोजेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट आएगा कि वहां पर उसके पास वेलोसिटी जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है। बट ऑल रियल में क्या होता है कि उसके पास इसका जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है, हमने बोला कि वो तो कॉन्स्टेंट रहता है, क्या बताया था कि वो तो कांस्टेंट रहता है, तो चेंज होता ही नहीं है, तो वो तो जीरो नहीं होगा, ये वाली वेलोसिटी तो होगी उसके पास, और ये वाली वेलोसिटी कौन सी होगी, जो उसके पास ऑलरेडी मोमेंटम था, और मोमेंटम किस कारण, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को डालते हो ऊपर से, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा उसके पास, यू एक्स, कौन सा है, यू एक्स, लेकिन जो डाउनवर्ड है यहां पर इस पॉइंट पर, ये वर्टिकल वी वाई, ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर इसकी वैल्यू होगी जीरो, ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा, यहां पर ये या फिर आप इसको बोल सकते हो यू एक्स और ये यू वाई, दिस इज जीरो इस पॉइंट पर, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता फिर वो नीचे गिरना, यहां पर वो छोटा सा होता है, थोड़ा सा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ये उसका इफेक्ट बढ़ने लगता है, सॉरी बढ़ने लगता है, और ये इसका इफेक्ट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाला कंपोनेंट तो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट, आपको पता ही है, ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो यहां पर अब अगर हमें इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी हो, किसकी वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, कौन सी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या इस पॉइंट पर ये वाली वेलोसिटी, या फिर ये वाली वेलोसिटी, या फिर इस पॉइंट पर जो ये जा रहा है, ये गिरेगा यहाँ पर, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा आपका,
यू एक्स और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, यू वाई। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी यू वाई तो नहीं बोलेंगे हम इसको, वी वाई बोल लेते हैं, वी फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ज़ीरो। क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, v हेयर, v की वैल्यू। तो वही वाला जो हमने पहले वाले में किया था कि वेलोसिटी निकाल देते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वही क्या करेंगे हम, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करके और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वी वाई का स्केयर प्लस यू एक्स का स्केयर, ठीक। अब हमें ये दोनों चाहिए, वी वाई और यू एक्स। क्या चाहिए, वी वाई और वी वाई मतलब कौन सा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड, ये वाला वी वाई, वी वाई, वी वाई, वी वाई, ये वाली। और यू एक्स तो हमें पता ही, यू एक्स तो हमारे पास, हमें पता है कि यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, ठीक है। अब वी वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो वी वाई के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। नाउ वी यूज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो वी वाई इज इक्वल टू, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या थी, ज़ीरो, क्या थी, ज़ीरो। इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़ीरो, ज़ीरो प्लस a डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, g भी नीचे लग रहा है, तो अब की बार हम इसको क्या लेंगे, प्लस और ए टी। तो वी वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जी टी। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए v की वैल्यू क्या आ जाएगी, सोचो, रख दो वैल्यू, वी वाई जी टी का जी स्केयर टी स्केयर प्लस यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। यानी इस वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ पर, अगर ये वाली वैल्यू इसकी भी आ जाएगी, यहाँ पर भी आप इसी फॉर्मूले से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टकराया तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसमें, जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। फर्क कहाँ हुआ, कौन से कंपोनेंट में, क्या चीज का डिफरेंस आया, इस वाली इक्वेशन हमने यूज की, ये वाली इक्वेशन हमने पहले भी अपवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए भी यही की थी, लेकिन वहां पर जी को क्या लिया था, माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था और जी नीचे की तरफ लग रहा था, तो वहां पर जी हमें माइनस लिया था, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है और जी भी नीचे लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए वी वाई किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, सोचो वी वाई किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, जी क्या है, कॉन्स्टेंट, चेंज क्या होगा, टाइम, जैसे आपने इसको छोड़ा कुछ टाइम बाद, मान लो एक सेकेंड बाद ये वैल्यू है, ठीक है, 1g हो गया, कितना हो गया 1g, दो सेकेंड बाद बढ़ गया वैल्यू 2g, 3 सेकेंड बाद 3g, 5 सेकेंड बाद 5g, यानी टाइम के साथ साथ v की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, यहाँ पर, कहाँ पर होगी, यहाँ पर आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम t की वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसकी वैल्यू, t की, t, कि कितने टाइम में, अगर आप यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट को गिराना चाहते हो तो कितने टाइम में क्या आएगा, कितने टाइम में वो नीचे आएगा, तो उसके लिए आप, हम इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, टाइम, कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, तो हम इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो पहले हम लिख देते हैं टाइम, हम निकाल रहे हैं फर्स्ट, टाइम निकालना चाहते हैं, तो टाइम यहाँ से कितनी हाइट नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर से नीचे क्या है, डिस्टेंस कितना है, h, कितना कवर करेगा वो, ऊपर से नीचे का डिस्टेंस कितना है, h, और हमें निकालना क्या है, टाइम, तो डिस्टेंस से रिलेटेड टाइम वाली इक्वेशन हमारी कौन सी है, यूजिंग रिलेशन, यूजिंग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s को हम क्या लिख लेते हैं, h, ये वाला h, हाइट, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो, क्या थी, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो प्लस हाफ ए जी प्लस का डाउनवर्ड आर टी स्केयर, सॉरी, तो t की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, t की वैल्यू, t किसके इक्वल आ जाएगा,
टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाय g, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2h डिवाइड बाय g, अंडर रूट 2h डिवाइड बाय g, ठीक है। ये आ गया टाइम कि इतने टाइम में ऑब्जेक्ट जब आप उसको यहाँ से यहाँ गिराओगे, ठीक है, तो वो इतने टाइम में आएगा। वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, h हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई से आप गिरा रहे हो उसको, g तो कांस्टेंट होता ही है हमारा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम निकालते हैं कि ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी दूर जाएगा, कितनी दूर। तो इसके लिए सेकेंड, फर्स्ट टाइम सेकेंड हम निकालते हैं रेंज, इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना, हम स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रेंज हमें निकालने, सेकेंड पॉइंट रेंज का मतलब कितना डिस्टेंस। मान लो आपको बोला जाए कि आपको एक इस पॉइंट पर कोई सामान, मान लो आप बम गिराना है, एक प्लेन में से बम गिराना आर्मी वालों को, तो इस पॉइंट पर गिराना है, तो वो कोई यहां से गिराएंगे नहीं, वो पहले इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, और उसके हिसाब से फिर उतने ही डिस्टेंस पहले ये वाला कितनी दूर, ये रेंज वो कैलकुलेट करते हैं टाइम के हिसाब से कि कितने पहले हमें गिराना पड़ेगा। तो उसके लिए रेंज निकालते हैं, रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालने के लिए आर इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू देख लो क्या आ जाएगा, इंटू रूट टू एच डिवाइड बाई एच, दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज। वो ये कैलकुलेट कर लेते हैं और उसी के हिसाब से फिर वो उस पैकेट बम को या फिर कोई भी सामान, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई फ्लड वगैरह या फिर कैसे इस जगह पर जहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता, हम जो खाने पीने की चीज़ें हैं हेलीकॉप्टर से भी गिराते हैं, प्लेन से भी गिराते हैं, ऐसी जगह पर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है, टाइम हमने निकाल लिया, रेंज हमने निकाल ली, टाइम की वैल्यू, मैक्सिमम हाइट हमने हम पहले निकाल ही चुके हैं किसकी कितनी होगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। थैंक यू।